25,000 से 50,000 में आपको 0.15% का है ऑफ द कैश परसेंट का अमाउंट ट्रांजेक्शन में देना रहता है। अगर फिर एयरटेल पेमेंट बैंक से अनदर बैंक करते हैं एनईएफटी, तो ये भी आपको यहाँ से बिल्कुल फ्री रहता है। विड्रॉल की 25,000 पर मंथ कर सकते हैं, मैक्सिमम कैश विड्रॉल आप यहीं से 5 लाख तक का कर सकते हैं, मैक्सिमम सेविंग अकाउंट बैलेंस 2 लाख। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले फ्रेंड एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट के जितने भी चार्ज और बैंक अकाउंट में जो लिमिटेशन लगती है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था फ्रेंड, अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक का बीसी एजेंट बनना चाहते हैं तो घर बैठे ही आप ऑनलाइन एयरटेल पेमेंट बैंक का बीसी एजेंट कैसे बन सकते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, क्लिक करके जाके वीडियो को देख सकते हैं। मुझसे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछा गया, अगर हम एयरटेल पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट को ओपन करते हैं तो उसमें क्या लिमिट मिलती है, डेबिट कार्ड से हम कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, फिजिकल डेबिट कार्ड से कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मंथली कितना ट्रांजेक्शन कर सकते, चाहे फिर आप मनी ट्रांसफर करना चाहे या कैश विड्रॉल करना चाहे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप एक एयरटेल पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट ओपन करवाए हुए हैं या सीएसपी संचालक है बैंक अकाउंट में कितना चार्ज पे करना रहता है। तो चलिए जानते हैं। लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिर अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी संचालक हैं और या फिर सीएसपी सेंटर लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। मैंने बताया था कि फिर मैं आपको बताऊंगा एयरटेल पेमेंट बैंक में कितना चार्ज लगता है अकाउंट ओपन करने पे। तो चलिए इसी के बारे में हम एक एक करके यहाँ से जान लेते हैं, जहाँ से देख सकते हैं मिनी केवाईसी एंड फुल केवाईसी दोनों के बारे में बताया गया है। जहाँ सबसे पहले अगर वैलेट की बात करें तो इनको यहाँ से देख सकते हैं अकाउंट ओपनिंग में एक भी चार्ज नहीं लगता, नहीं वैलेट करते हैं। क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो यहाँ से आपको 2.18% का आपको पे करना पड़ेगा। पेमेंट में फ्रेंड अगर आप पेमेंट मार्जिन के द्वारा रहता है तो 0 रुपये है, अगर वर्चुअल डेबिट कार्ड है फिर भी 0 है फ्रेंड। यहाँ से IRCTC में आपको 1.8% का टिकट आपको फेयर देना पड़ता है, जो कि इसका चार्ज आप बोल सकते हैं। नीचे आएंगे तो और देख सकते हैं वैलेट टू वैलेट 0% है, अगर फ्रेंड वैलेट फुल KYC टू बैंक करते हैं तो आपको 3% चार्ज देना पड़ेगा ट्रांजेक्शन अमाउंट पे, यानी आप जितना ट्रांजेक्शन करेंगे उसका 3% चार्ज देना पड़ेगा। अब वैलेट मेंशनेशन चार्ज के बारे में बताया गया यहाँ से यूपी मिनी KYC रहता है तो 20 रुपये आपको वैलेट मेंशनेशन चार्ज आपको यहाँ से देना पड़ेगा। अगर मिनी KYC है वैलेट के फ्रेंड तो नॉट ट्रांजेक्शन है तो 7th, 8th, 9th, 10th एंड 11th कैलेंडर मंथ में, जो कि है यहाँ से महीना है, उसमें फ्रेंड आपको बैंक को इंटायर वैलेट मेंटेनेंस फीस 2 की 10 रुपये चार्ज पे करना पड़ता है एयरटेल पेमेंट बैंक का। इसके अलावा अगर बात करूँ वैलेट बैलेंस इशू देन रहता है फ्रेंड तो मेंटेनेंस चार्ज के बारे में यहाँ से उपस देना पड़ता है। अब नीचे आएंगे फ्रेंड तो हम बात कर लेते हैं शेड्यूल ऑफ चार्ज सेविंग अकाउंट के बारे में, यानी सेविंग अकाउंट के बारे में क्या चार्ज है। अकाउंट ओपनिंग जो कि IFSC चार्ज अगर बोलना चाहे अकाउंट फैसिलिटेशन चार्ज के बारे में तो 100 रुपये पे करना रहता है। एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज क्या फ्रेंड 100 रुपये प्लस GST, जो कि 1 जनवरी 2023 को लगा था इस बार। कैश डिपॉजिट की अगर बात करें या फिर कैश लोड की अगर बात करें इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल ऐप से तो ये बिल्कुल आप फ्री में कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ फिर अगर कैश डिपॉजिट की मैं यहाँ से बात करूँ तो जिनमें अमाउंट देख सकते हैं अगर 0 से 25,000 रहता है तो फीस आपको यहाँ से देख सकते हैं 25,000 से 50,000 में आपको 0.15% का है ऑफ द कैश डिपॉजिट अमाउंट। बियॉन्ड द 50,000 में फ्रेंड आपको 1.1075% का देना पड़ता है। कैश विड्रॉल की अगर बात करें फ्रेंड तो 0 से अगर 10,000 के बीच में, जो कि कैलकुलेटिव जो ट्रांजेक्शन पर मंथ देना रहता है, अगर बिहैंड इसके अलावा बात करें 10,000 से अगर ऊपर करते हैं तो 0.65% का आपके यहाँ से कमीशन उसमें से पे करना रहता है। कार्डलेस कैशलेस की बात करें फ्रेंड जिनमें आपको यहाँ से IMT बात करें एप्स ओनली से सेल्फ अगर विड्रॉल करते हैं एंड सेंड मनी करते हैं अदर में तो फीस एक भी आपको नहीं पे करना रहता है। अगर कैश विड्रॉल की बात करूँ AEPS के द्वारा तो ट्रांजेक्शन डे जो मैक्सिमम 10 रहता है फ्री, जिनमें आप 50,000 तक का कर सकते हैं पर मंथ। और इस फिर अगर बात करें इसके अलावा 10,000 पर यहीं से देख सकते हैं ट्रांजेक्शन आपको मैक्सिमम दिया जाता है। पेमेंट फॉर IRCTC ट्रेन बुकिंग की अगर बात करें फिर तो 1.8% का पे आपको पड़ना रहता है फेयर जो रहता है। इसके अलावा फंड ट्रांसफर की बात करें फिर तो यहाँ से विदिन देख सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक अगर आप करते हैं इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल ऐप या फिर USSD के द्वारा तो ये फ्री रहता है। अगर फिर एयरटेल पेमेंट बैंक से अनदर करते हैं तो 1.25% का अमाउंट ट्रांजेक्शन में देना रहता है। अगर फिर एयरटेल पेमेंट बैंक से अनदर बैंक करते हैं NEFT तो ये भी आपको यहाँ से बिल्कुल फ्री रहता है। इसके अलावा मेंटेनेंस चार्ज के बारे में यहाँ से बताएगा, आप इसे देख सकते हैं। एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज की अगर मैं यहाँ से बात करूँ फिर तो देख सकते हैं जो कि कम्प्लीटली रहता है 1 ईयर्स के लिए। इसके अलावा जो कि अकाउंट का बैलेंस अगर लेस देन रहता है एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज द इंटायर अकाउंट बैलेंस विल बी द डेबिट्स फ्रॉम अकाउंट बैलेंस बिकम 0, अगर 0 रहता है तो डेबिट किया जाता है। इसके अलावा फिर नहीं से देख सकते बताया गया अकाउंट बैलेंस रहता है जो मेरे देन एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज रहता है, DBT 12 मंथ में रिसीव होता है, अटल पेंशन योजना प्रीमियम रहता है
ये सारी चीज़ें दी गई, इनको नंबर दिया गया जहाँ से आप इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ लिमिट और डिपॉजिट कितना कर सकते हैं और कितना लिमिट रहती है, तो अगर मैं यहाँ से देख सकते हैं मिनिमम कैश डिपॉजिट अमाउंट 10 रहता है और मिनिमम कैश विड्रॉल अमाउंट भी आपके इनसे 10 दिया जाता है। मिनिमम अमाउंट ऑफ फंड ट्रांसफर मोबाइल ऐप से 10 कर सकते हैं, यहीं से देख सकते हैं। मैक्सिमम अगर बात करूँ कैश विड्रॉवल की 25,000 पर मंथ कर सकते हैं। मैक्सिमम कैश विड्रॉवल आप यहीं से 5 लाख तक का कर सकते हैं। मैक्सिमम सेविंग अकाउंट बैलेंस 2 लाख रुपए टर्म एंड कंडीशन को। मैक्सिमम मनी वी कैन द एडेड यूजिंग सम डेबिट कार्ड 50,000 रुपए है। मैक्सिमम आप नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितना कर सकते हैं 10,000 है। फॉर द कस्टम वेदर यहाँ से कम्युनिकेटिव लोड रहता है जो कि 16 डेज का ग्रेटर देन इन द इंडियन में 50 रुपए, तो 2,000 पर ट्रांजेक्शन आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। मनी ट्रांसफर की बात करूँ फिर एयरटेल पेमेंट बैंक से 15 आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मास्टर कार्ड पर डे आप 15 कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट दैट वी कैन एडेड बाय द पैन यहाँ से सेविंग अकाउंट के थ्रू महीना में 10,000 कर सकते हैं। अमाउंट आप यहां से देख सकते हैं हाइडन कर सकते हैं 10,000 रुपये का, और यहीं से देख सकते हैं फिर 6 लाख तक कर सकते हैं कस्टमर पैन कार्ड, जो कि मंथली सेवरेज बैलिंग रहता है 6 लाख रुपये तक का। विदाउट पैन कार्ड का फ्रेंड आप 2 लाख रुपये तक कहीं से कर सकते हैं। कुछ नोट दिया गया, आप इन नोट को भी रीड कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कस्टमर विशिंग ओपन सेविंग भरोसा सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो मिनिमम 500 रुपये रहता है फर्स्ट ट्रांजेक्शन कितना आपको पेमेंट करना रहता है। मनी ट्रांसफर या फिर कार्डलेस विड्रॉवल की बात करूँ फिर तो IMF में अगर IMTM करते हैं फ्रॉम एप्स के थ्रू तो पर ट्रांजेक्शन लिमिट आपको 10,000 की रहती है। मंथली ट्रांजेक्शन आप 75,000 कर सकते हैं। 10,000 75,000 दोनों में भी आप यहीं से कर सकते हैं। सेल्फ से एक यहाँ से देख सकते हैं फिर 1 लाख की बताई गई, अदर से 25,000। इंडिविजुअली करंट अकाउंट के बारे में इसे देख सकते हैं बताया गया है जो अकाउंट जीरो से कर सकते हैं। मेंटेनेंस फीस 50 रुपये प्लस GST है। कैश डिपॉजिट अगर अमाउंट की बात करूँ फिर तो यहीं से 75,000 तक का फ्री रहता है। उसके ऊपर आपको चार्ज देना पड़ता है 75,000 से 1,25,000 में 0.15% का रहता है। ट्रांजेक्शन अगर अमाउंट की बात करूँ ग्रेटर देन यहाँ से 1,25,000 तक का आप यहीं से कर सकते हैं, जिसमें चार्ज आपको 0.75% का आपको पे करना रहता है। कैश विड्रॉल अगर अकाउंट थॉट बैंकिंग के थ्रू करें तो 75,000 फ्री रहता है। उसके ग्रेटर देन में 0.5% का आपको चार्ज देना रहता है। विद इन एयरटेल पेमेंट बैंक थॉट मोबाइल एप्स के थ्रू आपको फ्री रहता है। अगर आप यहीं से देख सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक अनदर बैंक करते हैं तो इसमें इतना आपको चार्ज पे करना रहता है। अब बात करूँ फ्रेंड करंट अकाउंट बैलेंस की तो 2 लाख दिया गया है। मैक्सिमम विड्रॉल कर सकते हैं 49,999। मैक्सिमम कैश विड्रॉल पर मंथ आपको यहीं से कर सकते हैं 5 लाख रुपए तक का 10 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम डेबिट कार्ड करंट अकाउंट 2 लाख का दिया गया है। डेबिट कार्ड आप यहीं से 5 लाख रुपए तक का कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये चार्ज है एयरटेल पेमेंट बैंक के, जिसमें मैंने वैलिड और सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट तीनों के बारे में बताया। फ्रेंड आई होप गाइज ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। इसके अलावा भी आपको कोई टॉपिक छूट जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिकमेंड कर सकते हैं, मैं पढ़ने की पूरी कोशिश करता हूँ। साथ ही साथ फिर हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा तो जाके फॉलो करें। आपको उनमें कोई सवाल हो तो हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक करिएगा। मैं आपको एक नॉलेजेबल टॉपिक से जल्द मिलूंगा, तब तक लिए।